हेलो दोस्तों, आइए हम आज इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे एनोवा सिंगल फैक्टर परफॉर्म किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक डेटा है। यहाँ पे गणित विषय के एक परीक्षण को 4 स्कूलों में 9वीं कक्षा के छात्रों पर किया गया और रिसर्चर ने नल हाइपोथेसिस तैयार करके रखा है। तो इस डेटा एनालिसिस करने के बाद हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जा सकता है या एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आइए हम इसमें एनोवा सिंगल फैक्टर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं इस डेटा की मदद से। उसके पहले हम जाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले डेटा पे क्लिक करने के बाद हमारे पास हम यहाँ पे आएंगे डेटा एनालिसिस। ये डेटा एनालिसिस एड इन है, ये पहले से नहीं होता है, इसको यहाँ पे ऐड करना होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस डेटा एनालिसिस एडिंस को कैसे अपने एक्सेल में लाएं या ऐड करें, तो आप वहां से इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आइए हम डेटा एनालिसिस पर क्लिक करते हैं। डेटा एनालिसिस पर क्लिक करने के बाद हम यहां पे ऑप्शन पे आएंगे एनोवा सिंगल फैक्टर। चूँकि हमको इस वीडियो में एनोवा सिंगल फैक्टर पर ही बात करनी है, तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया। ओके करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इनपुट रेंज है। इस इनपुट रेंज में आपका जो भी डेटा है उस सारे डेटा को एक साथ ही शामिल कर लें। तो हम यहाँ पे देखिए स्कूल 1 से लेकर स्कूल 4 के सभी डाटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये कॉलम वाइज है, पहले से ही हमारा डेटा कॉलम वाइज है, तो हम इसको रहने देते हैं यहाँ पे। ये लेवल है, तो यहाँ पे आपको लेवल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे जो भी स्कूल का यह नाम है या जिसको आसानी से समझने के लिए हेडिंग है, वो आपके आउटपुट में आएगा, जिससे आपको अपने डेटा को बेहतर समझने का मौका मिलेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे है अल्फ़ा। ये अल्फ़ा लेवल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0.05 है। ये हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, हम किस कॉन्फिडेंस लेवल पे अपने डेटा को का एनालिसिस करते हैं या किस कॉन्फिडेंस लेवल पे हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे 5% पे लिया गया है, आप 1% पे भी ले सकते हैं, जैसी आपकी ज़रूरत हो। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है पहले से अल्फा लेवल, उसको रहने देते हैं 5% पे। उसके बाद आउटपुट रेंज है। यहाँ आउटपुट रेंज में ये सिलेक्ट करना होता है कि हम अपने डेटा को कहाँ पे शो करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जिस सेल के पास हमको इसका आउटपुट दिखाना है, वहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तो सेल एड्रेस यहाँ पर शो करने लगा। अब आइए ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक आउटपुट रिज़ल्ट आ गया। ये समरी है, इसमें समरी है, जितने भी ग्रुप हैं उसका ये काउंट है, अलग अलग इंडिविजुअल। उसके बाद ये सम है उसका, ये एवरेज या मीन है, ये वेरिएंस है। उसी तरह से ये चारों ग्रुप का समरी है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं एनोवा। एनोवा में हम जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं सोर्सेज ऑफ वेरिएशन है, सम ऑफ स्क्वायर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मीन स्क्वायर है, एफ वैल्यू है, जिसको हमको को करना था और जिसकी बुनियाद पे हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। तो थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करते हैं। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये इसको जो लाने का फार्मूला है वो के माइनस बिटवीन ग्रुप में जो फार्मूला होता है वो के माइनस 1 होता है। के मतलब यहाँ पे जितने भी ग्रुप हैं, हमारे पास यहाँ पे 4 ग्रुप है टोटल, तो 4 - 1 जब करेंगे तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 3 आएगा। और जब विद इन ग्रुप के डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमको कैलकुलेशन करना होता है, तो वहाँ पे हम होता है एन टोटल माइनस के। तो एन टोटल हमारे पास यहाँ पे जो टोटल केसेज हैं यहाँ पे 24 हैं, और 24 केसेज में से हम जब के हमारे पास 4 है के, तो 4 माइनस करेंगे तो ये 20 आएगा। ये टोटल है उसका 640, सम ऑफ स्क्वायर और डिग्री ऑफ फ्रीडम 23, मीन स्क्वायर है 116, ये डिवाइड किया 3 से, डिवाइड किया है डिग्री ऑफ फ्रीडम से बिटवीन ग्रुप में, सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड किया है तो ये 116 आया है। उसके बाद 20 से डिवाइड किया है हमने 292 को, तो ये हमारे पास 14.6 आया है। और ये हमारा एफ वैल्यू है जो 7.94 है। अब इसको हमको देखना है कि हमारा जो टेबल वैल्यू है, ये जो हमारा यहाँ पर आया है, ये हमारा टेबल वैल्यू है। जब हम मैनुअली किताब में इसको देखते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप
को सामने रखते हुए हम यहाँ पे टेबल वैल्यू देखते हैं, और उस टेबल वैल्यू से जब हमारा ये वैल्यू एफ वैल्यू ज़्यादा होता है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि वो उनके दरमियान सिग्निफिकेंट फ़र्क है, सिग्निफिकेंस डिफरेंसेज है, और इसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये हमारा जो एनालिसिस है रिसर्चर का बनाया हुआ नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया जाता है। मतलब एफ वैल्यू जो हमारा है वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा निकल रहा है, जिसकी बुनियाद पे ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया जाता है, और इनके दरमियान इन ग्रुपों के दरमियान आपस में सिग्निफिकेंट फ़र्क है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एनोवा सिंगल फैक्टर को परफॉर्म करना समझ में आया होगा, और जिससे आप अगले अपने डाटा का आसानी के साथ एनोवा सिंगल फैक्टर परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।